और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लग चुकी है। दरअसल बैठक बुलाई गई थी आज कैबिनेट की। इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे, कई अहम प्रस्तावों को लाया गया, तमाम विषयों पर, तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटें और इसकी समीक्षा करें, और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए, तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है, और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे सोलर ऊर्जा एनर्जी का, और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। मुझे लगता है ये देश में एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश में किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, उनके नेतृत्व में हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही। एक बड़ा निर्णय आज और हुआ है, मुझे लगता है आज का दिन नवकरणीय ऊर्जा के नाम अगर किया जाएगा तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मतलब वो इस बात को समझ सकता हूँ, मैं लंबे समय भारत सरकार की जो पावर स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें रहा मैं, और मैं सोच सकता हूँ कि ये मोदी जी का एक सपना है कि बिजली उत्पादन जो है वो सौर की तरफ और विंड की तरफ समय के साथ बढ़ना चाहिए, और आज हमारी सरकार उसमें आगे बढ़ी है। बाबई में पहले से हम सोलर पावर के लिए काम कर रहे थे, वहां पर पहले लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले दे चुकी थी वहां पर, और जो मांग और जिस हिसाब से हमारी जो तैयारी है 314 एकड़ लैंड की और आवश्यकता थी, आज कैबिनेट ने वो एक स्वीकृति प्रदान की है, और नर्मदापुरम अकेले के लिए नहीं, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लगभग हम इसको 314 एकड़ लैंड, 311.44 एकड़ लैंड के साथ में सोलर पावर का वहां पर जो तंत्र खड़ा होगा, और अभी जो हमारी रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो होने वाली है नर्मदापुरम में, मुझे लगता है उसके पहले हमारी तैयारी होगी कि हम इसका माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन आदि करा के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और इस परियोजना के बनने से मुझे लगता है इसका क्षेत्रफल विस्तार होने से मध्य प्रदेश में सोलर पावर को लेकर एक बड़ी मांग जो है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एक गैप बनता है कई बार, उसकी पूर्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारा एक भौरी भोपाल जिले में, इसमें भी भूमि आवंटन की और आवश्यकता थी, तो आज जो है इसको लगभग 21.494 हेक्टर भूमि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आज हस्तांतरण करने के लिए भी एक अप्रूवल हमारी सरकार ने दिया है, और NITSER का जो अधिनियम के तहत 2008 में की गई थी, संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के अलावा पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विश्व स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें मुझे लगता है कि आज की स्वीकृति के कारण इसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है। तीसरा एक बड़ा निर्णय जो आज यहाँ पर हुआ है कि जब हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं तारीख समझ पा रहा हूँ, 6 अगस्त की तारीख में भारत सरकार ने अपने कैबिनेट में देश के अंदर आवास योजना
3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में, जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था, मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है। और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। और स्वयं की भूमि पर लगभग 2.5 लाख रुपए सरकार उसमें देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से एक साइकिल विकास की बढ़ती है। आदमी के पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा बाजार में जाता है, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, ईंट बनाने वाले को फायदा होता है, कारपेंटर को फायदा होता है, चिनाई वाले को, तो पूरा एक सिस्टम चलता है। तो मध्य प्रदेश में उस योजना के लागू होने से भी काफी लाभ होना है। ये मुख्य विषय थे जो आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के अंदर आज